Saturday. होगा इसके लिए मैं राजस्थानी शिक्षा समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान सीताराम जी पांडे, ये जो समारोह कारगिल युद्ध में जिन वीरों ने भाग, हमारे संस्था के सेक्रेटरी होंगाराम जी अटल और में जितना भी कहा जाए वो कम है, कैसे फिल्मी हीरो का सम्मान करते हैं, पर जो सिपाही जो सैनिक देश के लिए लड़ता है हम उनका सम्मान करना हमारे देश में अक्सर हम भूल जाते हैं। मैं रोटरी की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य हमारे स्कूल में किया जो अपने आप में अद्भुत है। साथियों, जब सैनिक सीमा पर रात भर जागता है, दिन भर रक्षा करता है, तो पूरा देश आराम की नींद सोता है। हम जो चैन की नींद लेते हैं उसके जवाबदार, उसके धनी हमारे वीर सैनिक है। मैं पुनः से एक बार संस्था की ओर से दोनों ही संस्थाओं को और जो अमर वीर सैनिक जिन्होंने शहीद गति प्राप्त की कारगिल के युद्ध में, उन्हें भी श्रद्धा नमन अर्पित करता हूँ। और भाई बागा रेड्डी जी जो आज हमारे बीच उपस्थित है, हम निजामबाद वालों के भाग्य कि हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसे नौजवान हैं जो सेना में भाग लेते हैं। वन्य हम जो आर्मी जो देश के लिए लड़ती है उन सैनिकों को देखने के लिए भी हम तरफ जाते हैं। तो मैं रोटरी क्लब और वह संस्था को और हमारे मंत्री जी ओम नारायण जी अटल को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे निजामबाद और हमारे स्कूल में लगाया। Yes, worked in Jammu and Kashmir at Sangdar sector. In 1997, he has participated in OP Parakram at Badnera, Rajasthan. In 2007, he has participated in OP Koshi Prahar flood relief in Bihar. In 2009, he has voluntarily served in world's highest battlefield at Siachen Glacier. In 2010, he has retired from the Army service. He is none other than CH Bagha Reddy ji. 78 data birth. Enter. 2 plus 2, 20, 37. 39, 40, 40 birth. Jara. Sridhar sir. Jara open ho ja. Open ho ja. स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सबको बहुत बड़ा आभारी हो, क्योंकि ये सम्मान मेरा नहीं है। जिन्होंने मेरा साथ कारगिल में अपना आत्मार्पण किया है, और मैं एक ही यहाँ पे सिपाही नहीं हूँ, यहाँ पे बैठे हुए लोग आप लोग सभी यहाँ पे सिपाही है। लड़ने के लिए बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी रह के लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग सभी पेपर में पढ़ रहे हैं, चैने के साथ वार लगने की चांसेस है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन होगा तो जरूर मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान आर्मी जरूर देगा। वो तो बॉर्डर पे हिंदुस्तान आर्मी का काम है उनका मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन यहाँ पे हर एक का फर्ज है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का अबेंडन कर दो। कोई भी सभी बच्चों से मेरा यही प्रार्थना है, अभी राखी आने वाला है और दिवाली आने वाला है, जो चीन का प्रोडक्ट्स है कोई ना खरीदे, यही हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और उनके खिलाफ हम यहीं पे लड़ाई लड़ सकते हैं। यही मेरा मनोकामना है, और फिर से मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू वन एंड ऑल फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस माई सेल्फ हियर एंड थैंकफुल टू वन एंड ऑल। जय हिंद। वस्तुएं हैं उसका हम बहिष्कार कर दें तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा।
तो मैं इनकी भावनाओं का अभिनंदन करता हूँ। अब आगे कार्यक्रम में हमारे जो अवारियस से डॉक्टर्स आए हुए हैं, मैं सर्वप्रथम सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूँ जो भी विचार हैं वो आपसे शेयर कर सकें। सत्य कुमार जी, and dignitaries on the dais, off the dais. So, from 23rd to 29th of this month, we are conducting ORS week celebration. And today, we are conducting ORS celebration in your school. So, usually celebration lasts for one day, but ORS lasts for 1 week. Why we are conducting ORS week is because ORS is the one that हमारे देश में 2 लाख बच्चे डायरिया से मर रहे हैं और टोटल वर्ल्ड में 6 to 7 लाख डायरिया से मर रहे हैं। डायरिया में मेन प्रॉब्लम क्या रहते बोले तो डिहाइड्रेशन रहते। डिहाइड्रेशन से मर रहे बोले तो बहुत अफसोस का बात है। कैंसर बीमारी से मर रहे बोले तो नो प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट नहीं रहते। एड बीमारी से मर रहे बोले तो ट्रीटमेंट नहीं रहते, बट सिंपल डायरिया से हमारा देश में बच्चे लोग मर रहे बोले तो बहुत अफसोस का बात है। डायरिया टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज है, बट प्रॉब्लम क्या है, 2000 में 20 लाख बच्चे लोग मर रहे था, अब हम ORS अवेयरनेस कैंप से ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख बच्चे लोग मर रहे। सो अब 2017 में 2016 में सो हमारे अभी भी हम क्या कर सकते बोले तो जीरो डायरियल अवेयरनेस हम दे दिए तो ORS क्यों यूज करना, किधर यूज करना, कौन सा प्रमाण से हम यूज करना, कैसा कैसा बनाना आपको मालूम हो गए तो डायरिया में यूज करेक्ट क्वांटिटी में करेक्ट प्रिपरेशन में यूज करें तो टोटल डायरियल डेथ्स वी कैन प्रिवेंट। तो ये ORS कैंपेन हम लगाया 1 हफ्ते तक ऑन दिस अर्थ। ORS के अलावा कौन सा भी दवा नहीं है डायरिया में, इसके वास्ते हम ORS का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और एक खुशी का बात क्या है बोले तो ये ORS डिस्कवरी हमारा इंडियन डॉक्टर करे, कौन करे है, दिलीप मेहलवान भी फ्रॉम कोलकाता। इससे पहला 1968 में देर वॉज अ वॉर बिटवीन बांग्लादेश कलकत्ता से क्या करे, ये साल्ट और ग्लूकोज और पानी मिक्स कर वो आदमी को दे दिया। बहुत पेशेंट्स रिलीफ हो गया, मरने का बच गया। इसके वास्ते इन्वेंट ऑफ चॉइस थ्रूआउट वर्ल्ड। सो आपको अब क्या चाहिए, हमारे को लूज मोशंस आते, ऊपर से भी प्रॉब्लम रहती, नीचे भी प्रॉब्लम होती, वॉमिटिंग होते, नहीं तो लूज मोशन आ जाते। ये लूज मोशन वॉमिटिंग में क्या होते, हमारा आंख का पानी और साल्ट दोनों भी बाहर आ जाते। आंख का पानी साल्ट बाहर आए तो हम क्या बोलते, बॉडी में पानी कम हो गया, बॉडी में साल्ट कम हो गया बोलते। ये कंडीशन को हम क्या बोलते, डिहाइड्रेशन बोलते। सो डिहाइड्रेशन कैसा प्रिवेंट करना, ये डिहाइड्रेशन से बच्चे लोग मर, डिहाइड्रेशन सीवियर डिहाइड्रेशन हो गए तो छोटा बच्चों को 2 साल का अंदर बच्चों को ये ऊपर बोलते ना अंटेरियर फंटानल वो अंदर चले जाते, आंखें अंदर जाते और मुंह भी ड्राई हो जाते, टंग ड्राई हो जाते और स्किन टर्गर, यूजुअली हमारा स्किन एलास्टिसी रहते, ये हाइड्रेशन रहे तो दंग अंदर चले जाते, बट डिहाइड्रेशन हो गए तो जल्दी अंदर नहीं चले जाते चमड़ा हमारा, उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एलास्टिसिटी बोलते हैं। और यूरिन आउटपुट पेशाब भी बंद हो जाता है। लास्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं, गाड़ेरिया, मैं एक एक्सपेरिमेंट से बताते आपको, ये क्या है, घड़ा है, ये घड़े में फुल पानी है, समझेंगे, पानी टोटल बाहर आ जाता है। सो अंदर का पानी बाहर आ जाने को क्या कहा जाते हैं, हम डिहाइड्रेशन कहा जाते। सो ये पानी लेवल मेंटेन करना बोले तो हम क्या करना, क्या एनीबडी टेल, हम ऊपर से पानी डालना पड़ता। ऊपर से कितना पानी डालना, नीचे से पानी कितना बाहर आ रहा है ना उतना अंदर ऊपर से पानी डालना। कब तक डालना, कब तक ये होल हम बंद करते जब तक पानी डालना।
यही मैकानिज्म डेयरी में रहते। कब तक हम हमारे इमोशंस कम होते, जब तक हम तमें। और एक क्या है बोले तो ये डायरिया का प्रॉब्लम क्या है, डायरिया क्यों आते बोले तो तीन प्रॉब्लम से आ जाते। एक हमारा हैंड वॉश बराबर नहीं करे तो आ जाते। दूसरा क्या रहते, पानी बराबर नहीं हम नहीं पिए तो भी आ जाते, और फुट बराबर क्लीन नहीं रहते भी आ जाते। सो हम हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको बोल देते, देयर आर सिक्स स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ये करेक्ट करे तो हमारे को कौन सा भी बीमारी नहीं आते, डायरिया एक ही से, दूसरा कौन सा भी बीमारी नहीं आता। सो डायरिया से कि बचने के वास्ते हम क्या करना, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करना। सो फर्स्ट स्टेप क्या है बोले तो हम ऐसा रबिंग करना, दोनों पाम्स रबिंग करना, प्लीज आप स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, ये बैक ऑफ हैंड रबिंग करना, एक चार पांच बार रबिंग करना। फर्स्ट क्या करना, हम सोप लेना उसके बाद रबिंग करना, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, बिटवीन फिंगर्स ऐसा फिरना। ऐसा करे तो क्या होते, नेल्स का अंदर बैक्टीरिया रहते ना वो भी क्लीन हो जाते, और नकल्स में भी बैक्टीरिया रहता ना वो भी क्लीन, दोनों तरफ। और सिक्स्थ स्टेप क्या है, रिस्ट, हम वॉच लगाते ना वो प्लेस में ऐसा। सो ये सिक्स स्टेप्स हम करेक्ट, कौन सा भी बीमारी नहीं आते, हमारा हैंड्स बहुत क्लीन रहते। खाने के पहला ऐसा क्लीन कर कर हम खाना खाए तो हमारे को लूज मोशन, वॉमिटिंग सब कम होते। और ये आप क्या कर सकते, क्या करेंगे हम बोले तो ये ORS कैसा मिलाना, मैं बोल देती। सो हम क्या करना, ORS मिलाने के वास्ते एक लीटर पानी लेना पड़ता है, वो हीट करना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। हम दो मिनट तीन मिनट हीट बॉइल करने का जरूरत नहीं, एक बार पानी बॉइल हो गए तो नीचे का बंद कर सकते, फ्यूल वेस्ट करने का जरूरत नहीं। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद इसको ठंडा करना, बाद में रूम टेम्परेचर को लेकर आना। बाद में हम क्या करना, ऐसा ORS पैकेट मिलते, एक इधर भी मिलते, मेडिकल शॉप में भी मिलते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते। वे मेडिकल शॉप में यूजुअली छोटा पैकेट मिलते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ा पैकेट मिलते। बड़ा पैकेट रहे तो हम एक लीटर पानी लेना पड़ते, छोटा पैकेट रहे तो हम एक ग्लास पानी में मिलना पड़ता। सो ये पानी ठंडा होने के बाद हम पाउडर इसमें डाल देना, डालने के बाद अच्छा मिलाना। अच्छा मिलाने के बाद का अंदर बच्चे को हाफ कप से एक कप हर एक मोशंस को हम देना पड़ता। एक बार मोशन हो गए तो हाफ से एक कप देना, दो मोशंस हो गए, और एक बार उल्टी हो गए तो भी हम पिला सकते। 12 साल और 10 साल के ऊपर बच्चों को हम क्या करना, कितना थर्स्टी प्यास रहते ना उतना पानी हम ये ORS का पानी पिला सकते। और एक क्या है, आप पूछ सकते डायरिया में क्या प्रॉब्लम रहती है, साल्ट एंड वाटर लॉस हो जाते, वही समय आते मदर्स आते सर डॉक्टर साहब अच्छे एंटीबायोटिक लिख दिया डायरिया में, पूछते कौन सा भी अच्छा एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक्स लिया तो हमारे पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते वो को मर जाते, फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे को चाहिए, एंटीबायोटिक यूज करने का जरूरत ही नहीं हमारे को। हमारा पेट में, हमारा बॉडी में कितना सेल्स रहते ना उससे भी 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते, एंटीबायोटिक्स यूज करे तो वो सब बैक्टीरिया मर जाते। इसके वास्ते हम क्या करना, ओनली ORS यूज करना। डायरिया कितना दिन अपना आप कम हो जाते, तीन चार दिन में कम हो जाते हो, इसके वास्ते हम ORS यूज करना पड़ते हैं, और कौन सा भी दुनिया में दवा नहीं है ORS के अलावा। सो और एक में भी शुगर रहते हम पिला सकते हो, नहीं पिलाना। क्यों बोले तो क्वांटिटी ऑफ शुगर उसमें बहुत ज्यादा रहते, इसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर ओनली 13.7 ग्राम रहते, 13.5 ग्राम रहते। 20 ग्राम के ऊपर क्वांटिटी रहे तो हमारा पेट में वो शुगर अब्जॉर्प्शन नहीं होते, बाहर आ जाते। बाहर आते वक्त हमारा ब्लड का पानी भी लेकर बाहर आ जाता, सो और सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता। सो फ्रूट जूस में क्वांटिटी ऑफ शुगर मोर देन 20 ग्राम रहते, 70 ग्राम। बुरी आदत है, जहां भी मैं बात करने के लिए निकलता हूँ सिर्फ 2 मिनट बाद ये ORS पैकेट्स पानी में डाल के पिए तो वो बीमारी से हम छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो हम छुट्टी काटना पड़ता है। तो इतना ही याद रख लो, दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं सिर्फ दो चीजों से आती है, एक हाथ नहीं धोने से, खाने से पहले
साबुन से हाथ नहीं धोने से ज्यादातर बीमारी आते हैं। दूसरा चीज, साल भर उबाल के ठंडा करे सो पानी पीना, ये दो चीज करे तो ये उल्टी पैखाना ये दस्त की बीमारी नहीं लगती है। ये दो चीज आप आज याद रख लिए तो जितना भी मेहनत लेके आपके प्रिंसिपल, आपके हेडमास्टर, आपकी पूरा टीचर्स और आपकी माँ बाप भी आए हुए जैसे दिखते हैं, हमारा जो कुछ ये कार्यक्रम है वो सफलता होती है, हम यहाँ आने की मकसद भी पूरा होती है। इतना ही बोलने के लिए आए हैं, हमें जो कुछ ये मौका दिया है पूरा जितने भी मंच पर उपस्थित महाजन लोग हैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करके मैं छुट्टी लेता हूँ। थैंक यू, थैंक आई थैंक आवर टुडेस चीफ गेस्ट रेजिडेंट वेद भाई, आई थैंक ओआरएस डॉक्टर కార్గిల్ అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు కార్గిల్లో పాల్గొన్నటువంటి నాకు మన రోటరీ క్లబ్ బ్రదర్స్ ద్వారా హరిచరణ్ మార్వాడి సమాజ్ ద్వారా సన్మానం చేయబడినది. ఈ సన్మానం నా ఒక్కరిది కాదు, కార్గిల్లో పాల్గొన్నటువంటి నా తోటి సైనికులది, వారి ప్రాణత్యానికి కలిగించినటువంటి అందరికీ అంకితం చేస్తున్నాను. మనము వార్ చేయడానికి బోర్డర్ పైన వెళ్ళని అవసరం లేదు, ఇక్కడనే ఉండి కూడా మనం చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఈ రోజులో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులలో చైనాతో యుద్ధం జరగబోతుందన్న ఒక అపోహ ఉంది, కానీ చైనాతో యుద్ధం జరిగితే మటుకు మన భారత సైనికులు వారికి మంచి జవాబు ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీలో మనం ఉన్నాము. కానీ బోర్డర్లో వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారు, కానీ మనం ఇక్కడ ఉండి మనం కూడా ఇవ్వగలగాలి. ఒక పౌరునిగా, ఒక దేశభక్తునిగా మనం చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, చైనా ప్రొడక్ట్స్ని మనము బహిష్కరించాలి. అప్పుడే మనం దేశానికి సేవ చేసినటువంటి అయితే మనము చైనాపై విజయం సాధించగలిగిన వాళ్ళమైతాము. జై హింద్.